सो हेलो फ्रेंड कैसा है आप सब मैं सोचता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स आपको पता होगा 17 अक्टूबर से अमेजोन में द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो जाएगा लेकिन कल और आज कुछ रेडमी का फोन यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुआ है और उसका प्राइस रिवील हुआ है और ये फोन कौन कौन सा है और और क्या आपको इस फोन को परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए आज की इस वीडियो में मैं आपका सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ इसलिए आपने इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखता रहिए फ्रेंड्स मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल सो फ्रेंड चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स ये जो फोन का प्राइस जो लिस्ट है उसको दिखाने के लिए मैं ले चलता है मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जो तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का कुछ टर्म एंड कंडीशन बताता हूँ फ्रेंड्स ये जो सेल 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कितना दिनों तक चलेगा यहाँ पर कोई भी लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं एक लिख दिखा था जहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जो सेल एक महीना तक चलेगा तो देखेंगे जो सेल एक महीना तक चलता है कि नहीं चलता है और इसी सेल में अगर आपके पास एच बैंक का कोई भी कार्ड है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर आपको टेन का इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू कितना मिलेगा वो तो मैंसन नहीं है लेकिन आप मान के चलो

एच डी कार्ड से इसको खरीद लीजिए और ये जो फोन हो जाएगा ग्यारह देखिए फ्रेंड्स कि आपको ग्यारह में ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसी फोन का एक रीब्रांडेड वर्जन वर्सन जो कि रिपोको एम टू प्रो वो फ्लिपकार्ट में मिल रहा है और उसी के प्राइस भी पूरे सेम है अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दिया हूँ इस दोनों फोन में सिर्फ इतना फ़र्क है और पोको एम टू प्रो और ये जो रेडमी नोट नाइन प्राइम ये दोनों सेम सेम फ़ोन है सभी पैक्स यहाँ पर सेम है लेकिन जो पोको एम टू प्रो है वहाँ पर आपको थर्टी थ्री वाट का फास्ट चार्जर मिलता है लेकिन इसी फ़ोन में सिर्फ अठारह वाट का चार्जर मिलता है सिर्फ इतना यहाँ पर फ़र्क है इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोलता हूँ अगर आपके पास एच डी एफ़ सी बैंक का कार्ड नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट को जाइए और पोको एम टू प्रो फोन को ले लीजिए बहुत ही अच्छा फोन है तो चलिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फोन आता है वो है रेडमी नोट नाइन आपको इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जी हाँ फ्रेंड्स इस फोन आपको लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फोन है और इसका प्राइस अभी हो गया है ग्यारह लेकिन ये फोन लॉन्च हुआ था बारह में देखिए अभी भी इसका प्राइस है बारह लेकिन ये आपको मिल जाएगा ग्यारह में बहुत ही अच्छा फ़ोन है ये फ़ोन आपको दस हज़ार में मिल जाएगा देखिए दस हज़ार अगर आपके पास एच डी एफ सी कार्ड से लेते हो तो दस हज़ार में मिल जाएगा बहुत ही अच्छा फ़ोन है दस हज़ार में अभी तक तो जितने भी सारे फ़ोन है ये सबसे अच्छा फ़ोन है क्योंकि यहाँ पर आपको फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले मिलता है और फोर्टी एट एम पी का कैमरा मिलता है और एक बड़े बैटरी मिलता है देखिए पाँच हज़ार बीस एम एच का बैटरी तो इसलिए अगर आपका बजट है दस हज़ार तो आप रेडमी नोट नाइन को ले लीजिए बहुत ही अच्छा होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट फोन आता है वो है रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स तो ये फ़ोन का अभी प्राइस है सत्रह हज़ार लेकिन सेल में आपको मिलेगा सोलह हज़ार में अगर आप एच डी एफ सी कार्ड के थ्रू लेते हो तो आपको वहाँ पर और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर टेन परसेंट अप टू पंद्रह सौ मिलता है तो ये फ़ोन आपका चौदह हजार पाँच सौ में हो जाएगा बजट के हिसाब से फ़ोन तो बहुत ही अच्छा है लेकिन फ्रेंड्स आपने अगर इसमें एक हज़ार और ऐड करते हैं तो आपको पोको एक्स थ्री मिल जाएगी वो एक्स थ्री को ऑफर में ले लीजिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है क्योंकि उसमें आपको वन ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट मिलता है और वहाँ पर डुअल डिस्प्ले मिलता है और बहुत ही अच्छा स्पेक्स मिलता है इसलिए इससे बेटर होगा पोको एक्स ले लीजिए और उसके बाद जो होना था है नेक्स्ट फोन आता है मे टेन फाइव जी क्या आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए अगर आपका बजट है फोर्टी फाइव थाउजेंड तो आप ये मे टेन फाइव जी फोन को मत लीजिए आप दूसरे कोई फ़ोन को ले सकते हो जैसा कि वन प्लस का एट एट प्रो नहीं तो आप दूसरे कोई सैमसंग का भी फ्लैक्सिप फ़ोन ले सकते हो क्योंकि जो मी टेन है इसका जो एम आई यू आई है वो इतना अच्छा नहीं है तो स्पेक्स तो बहुत ही अच्छा है लेकिन मुझे फ़ोन इतना अच्छा नहीं लगा सिर्फ इसमें आप जो मी यू मिलता है वो इतना अच्छा से ऑप्टिमाइज नहीं होता है और उसके बाद जो नेक्स्ट फोन आता है वो है रेडमी नोट एटी देखिए इस फोन का प्राइस है ग्यारह हजार पाँच सौ फ्रेंड्स इस फोन को मौत लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन सिक्स का ऑप्रोसर इसलिए मैं बोलता हूँ इस फोन को फ्रेंड्स मौत लीजिए आप और कोई दूसरा कोई फोन ले सकते हो सबसे अच्छा होगा आप एक और डाल के पोको एम टू प्रो को ले लीजिए बहुत ही अच्छा होगा इस फोन को मत लीजिए तो चलिए आपको और भी दिखाता हूँ आज कौन कौन सा फ़ोन का प्राइस ड्रॉप हुआ है आपको दिखाता हूँ तो चलिए देखते हैं आज देखिए आज यहाँ पर देखिए टू डेज डील रिवेल सबसे पहला फ़ोन है रेडमी नाइन है देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँगा अगर आपका बजट है छः हज़ार पाँच सौ तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि इतना प्राइस में आपको और कोई अच्छा स्पेक्स नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि यहाँ पर छः सौ तो डिस्काउंट मिल जाएगा देखिए अगर यहाँ पर छः सौ डिस्काउंट मिलता है इसीलिए जो फ़ोन का प्राइस हो जाएगा फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड अगर आपका बजट है छः हज़ार तो आप ये रेडमी नाइन ये फोन को ले सकते हो इसी बजट में फोन बहुत ही अच्छा है उसके बाद जो नेक्स्ट फोन आता है वो है रेडमी नाइन प्राइम आप इस फ़ोन को मौत लीजिए ये फ़ोन तो बहुत ही बेस्ट है लेकिन जो पोको एम टू फ़ोन है वहाँ पर आपको सिक्स जी बी प्लस सिक्सटी फोर जी बी मिल रहा है जिसका प्राइस है टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ जो कि फ्लिपकार्ट में आपको देखने के लिए मिलता है और वहाँ पर आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट एस बी आई कार्ड में मिलता है तो इसीलिए आप पोको एम टू फ़ोन को ले लीजिए बहुत ही अच्छा होगा और ये रेडमी नाइन प्राइम को मत लीजिए और उसके बाद जो नेक्स्ट फोन आता है वो है रेडमी नाइन आप इस फ़ोन को फ्रेंड्स मौत लीजिए यहाँ पर सिर्फ बैंक ऑफर मिल रहा है और एक्स्ट्रा कुछ प्राइस कोड यहाँ पर नहीं मिल रहा है इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ इस फोन को मौत लीजिए आप पोको एम फ़ोन को यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ले सकते हो बहुत ही अच्छा फ़ोन है और उसके बाद जो नेक्स्ट होना था रेडमी एट ए और इसी फ़ोन को भी मत लीजिए अभी के टाइम पे ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है और उसके बाद तो और कुछ फोन नहीं है और जितने भी सारे ऑफर था मैं आपको बता दिया मैं सोलह अक्टूबर को लाइव आऊँगा और आपको बताऊँगा कौन कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए मैं पूरे लाइव आऊँगा तो इसलिए फ्रेंड्स अपने यहाँ पर जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं इसी को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और अभी से बेल आइकॉन को दबा दीजिए क्योंकि मैं आपको लाइव आऊँगा और आपका लाइव में आपको जितने भी सारे डाउट होगा सभी आप मुझे पूछोगे और या एक एक रिप्लाई दूंगा इसलिए अभी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि जब मैं लाइव आता हूँ तो तब तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप मुझे कुछ सवाल पूछोगे आपके मन में जो भी सवाल है तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए क्योंकि फ्रेंड्स और अगर आपने एक एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो इसलिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है चलिए फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय